जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियाँ, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से? ये समुद्र इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है उसका ये भंडार ग्रह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है, फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। राधा कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।